बिसम The topic आई एम to टू कवर इन दिस वीडियो विल भी यूरिथरा एंड पीनस मेल यूरिथ्रल बेसिकली सिस्टम है अनाटमी ऑफ द मेल यूरिथ्रा मेल यूरिथ्रा इज डिवाइडेड टू फोर पार्ट्स और मेजर टू पार्ट्स एंटीरियर है पोस्टीरियर है पोस्टीरियर में प्रोस्टाटिक यूरथरा दट पास थ्रू द प्रोटेर ग्लैंड मेम्रेनियस यूथरा दट पास थ्रू द यूरोजेर डायफ्राम प्रोस्टेट यूरोजेर डायफ्राम फिर बल्बर यूरिथरा दट पास थ्रू द बल्ब ऑफ द ये मेबरनस बल्बल यूरिथरा इस प्रेजेंट इन द मेबरनस एंड पिनाल यूरथ्रा और इट्स मोस्ट कॉमनली रपच्चर्ड एंटीरियर में आता है इंटीरियर में बल्बर और पिनाल यूरथ्रा आते हैं और पास यूरथरा डरपास कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इंजरीज टू द मेल यूरिथरा इंटीरियर यूरिथरल इंजरीज इंटीरियर यूरिथरल इंजरी में कौन कौन से रपच्चर हो सकते हैं पिनाइल यूरथ्र इसका रपच्चर कब होता है क्रश्ड इंजरीज लाइक आप क्रस्ट इंजरी हो तो एक्स्ट्रा वजेशन ऑफ द यूरिन हो जाएगा ऑब्वियसली एक्स्ट्रावेशन कहाँ तक होगा अगर पिनाइल इंजरी में बक्स फेशिया जो है वो रपच्चर नहीं करता जैसे हाँ बक्स फेशिया रपच्चर नहीं किया तो इट इज़ कन्फाइंड टू द पीनस बट इफ बक्स बक्स फेशिया इज रपच्चर्ड क्रोमा आल्सो टीयर्स द डीप फेशिया ऑफ द बक्स तो फिर एक्स्ट्रावजेशन स्क्रोटम में जाती है पिनाइल एरिया ने तो करना ही करना था और ऊपर फेशियल स्कार्ब्र में जाएगी फेशियल स्कार्ब्राम इस तरह जाएगी के पूरी इंटीरियर ब्रामन बॉल को भी कवर कर सकती है सुपरफिशियल प्रीनियल स्पेस में भी जाएगी यह ठीक रप्चर ऑफ द बल्बर यू रिथराइट इज कॉज बाय फॉलिंग अस्ट्राइड ऑन द बीम फॉलिंग ऑन बाईसाइकल हैंडल या फिर मैन होल कवर बिटवीन द लेग्स रप्चर ऑफ़ द बल्बर यू रिथराइट करेक्टराइज ट्राइड ऑफ सिम्टम तीन तो चीज़ें होनी होनी एक तो ये पर्सन इज नॉट एबल टू बी पेरिनल पेरिनियल हिमाटोमा बटरफ्लाई इन डिस्ट्रीब्यूशन में उसका हीमाटोमा बन जाएगा एंड ब्लीड ऑन द एक्सटर्नल यूथ्रल मेटस वैसे तो कहते हैं एक्सटर्नल यूथ्रल मेटस पर ब्लीडिंग हो रही है तो इट्स अ कॉन्ट्रेट डिकेशन पोलिस का तरफ पास नहीं करना बट इसी मैनेजमेंट हम आगे से पढ़ते हैं आ, इसके मैनेजमेंट ये है कि इनिशियली तो पेशेंट का देखना कि वो अवॉइड कर सकता है नहीं कर सकता इफ़ इज़ एबल टू वॉइड तो फिर कोई इमरजेंसी नहीं है एमरजेंसी इज़ ओवर एंटीबायोटिक्स दें सिप्रो पाँच दिन के लिए और घर भेज दें बट इफ़ यू नॉट वॉइड और यूरिनेट तो फिर सिंगल जेंटल अटैम्प्ट दें ट्वेल्व या फोटीन फ्रेंच साइज़ फॉलिस कहते की बहुत ज़्यादा लुप्रिकेशन के साथ और अगर वो फेल कर जाए तो कोई ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं आप देखें ब्लैडर पाल पेपर है ब्लैडर पाल पेपर है और यूरिन जो है रिटेन हुआ हुआ इसका मतलब आप आराम से फिर सिस्टेक्टमी कर सकते हैं सिस्टोटमी सॉरी सिस्टोटमी कर सकते हैं अंडर लोकल ने बट ए ब्लैडर इज आल्सो नॉट पार्केबल इसका मतलब है इंट्रापरिनियल रपच्चर हो चुका इंजरी हो चुकी है ब्लैडर को भी आप ओपन करते हैं फॉर्मल सुप्राबेबिक सिस्टोटमी अंडर नेस्थीजिया इज डन अलॉग विद ब्लैडर को भी रिपेयर किया जाता है छः हफ्ते बाद फिर सिस्टो यूथ्रोग्राम इज डन एंड फॉर्मल रिपेयर अंडरटेकन यूथ्रो की जाती है और कॉम्प्लीकेशन इट कैन लीड टू यूरिथ्रा में कोई भी इंस्ट्रोमेंटेशन होगी स्ट्रिक्चर हो जाएगी इनकॉन्टिनेंस इंपोर्टेंस कैन भी इंजरी में तो इंपोर्टेंस भी हो सकती है पोस्टीर यूरिथ्रल इंजरीज में आता है मेम्बरीनस एंड प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा तो एक्सीडेंट स्पीड ट्रैफिक एक्सीडेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेल्विक फ्रैक्चर द लीड टू इंजरिंग देड टू इंजर ऑफ द इंजरी ऑफ द मेम्बरीनस यूरिथ्रा or uh, it can lead to urethral strictures it is better to wait for 3 months to allow inflammation and infection to dissolve. and uh, then plan for proper urethral plastic strictures to injury ke rupture of the membranous urethra Because of this, it leads to pros floating prostate uh, lekin prostatic urethra injury Because prostate itself a very dense tissue na, uske de. Metal stenosis. metal stenosis uh, is the stenosis of the external urethry, urinary meatus it is associated with phimosis a phimosis kaya, it's inability

यूरीथरल स्ट्रक्चर इस नैरों यूरिथरल किन किन चीज़ों के बाद हो सकती है ट्रोमेटिक पेल्विक फ्लैक्चर्स के बाद इंजरी के बाद इनफ्लमेशन पोस्ट गोलोकोकल इन्फ्लेमेशन का एक पासवर्ड पर हमें क्वेश्चन भी आया हुआ है कि उसको टेंशन भी उसकी स्ट्रीम बहुत वो नैरो स्ट्रीम है उसकी पेशेंट की और साथ डिस्चार्ज आता है तो इट्स पोस्ट गोलोकोकल इन्फ्लेशन इंस्ट्रोमेंटेशन एंड डिंग कैथीटर यूरीथ्रल एंडोस्कोपी कोई हुई हो या पोस्ट ऑफ जो है ओपन प्रोस्टाटेक्टमी एम्पूटेशन ऑफ द पीनस किसी भी वजह से सर्जरी हुई हो तो इट लीड्स स्ट्रिक्चर्स रथ्रो स्ट्रिक्चर जाकर आफ्टर इंजरी इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरोथिल्म क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसकी एक तो आउटफ़्लो ब्लड और आउटफ्लो ऑफ से मिलते जुलती हैं स्ट्रेनिंग टू वाइड नैरोम ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन यूरिनरी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी सब कुछ वो वाला चीज़ हो सकती है अर्जेंसी तो नहीं, नहीं लेकिन फ्रीकुंसी ज़्यादा होगी क्योंकि नैरो स्ट्रीम है और हाउ डू डायग्नोज फ्लैक्बल रिज यूथ्रोस्कोपी से या यूथ्रोग्राफी से हम लोग कंट्रास्ट डालेंगे और फिर उसका एक्सट्रा लेंगे जैसे यहाँ पे कंट्रास्ट डाला है एक्सटर्नल मेटर से तो यहाँ है जो शो हो गया कि यहाँ पे फंस रहा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूथ्रल स्ट्रक्चर इट कैन लीड टू रिटेंशन इफेक्शन अक्सेस बन सकती है ऊपर हाइड्रोन ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के सारे फीचर्स हाइड्रोनेफ्रोसिस बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस यूरिनरी स्टोन्स ब्लैडर हाइपोट्रोफी एंड डायवर्टिकुलम हर्निया हेमराइड्स स्ट्रेनिंग की वजह से रेक्टल प्रोलैप्स हमर एंड हर्निया बिकॉज ऑफ स्ट्रेनिंग यूरीथ्रल फिस्टुला हाउ डू यू ट्रीट वी विल ट्रीट बाई डायलिटेशन हाउ डू डायलेट गन इलास्टिक बोगीज या या बूजीज भी जैसे कहते हैं ग्रेजुएट मेटेलिक यूरथ्रल साउंड जैसे यूप्रेन साउंड होते हैं सेल्फ डायलटेशन बे नीलेटन कहते ऑप्टिकल इंटरनल यूरिथोमी यूरिथ्रोटमी यूरिथ्रोटमी में क्या करेंगे हम नाइफ लेंगे एक यूथ्रोटोम और स्ट्रक्चरल रेंगे ट्वेल्व स्ट ओ क्लॉक पोजिशन यहाँ यूरिथ्रो कर सकते हैं यूरिथ्रो प्लास्टिक फाइब्रोस टिनो सेगमेंट को काट देंगे बाकी को एंड टू एंड नोस्टमोसिस कर देंगे और अगर थोड़ा सा ज़्यादा सेगमेंट कट गया तो हम बक्न में से ग्राफ ले लेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा कट है तो बार का टू स्टेज जोथ्रो कैन बी डन बट इज फीमोसिस वही जिसकी हम बात करते हैं यूथ्रल स्ट्रक्चर में भी इट इज़ इन अबिलिटी टू रिट्रैक्ट द प्रोप्यूज ओवर द ग्लैंस कंजेंटल भी हो सकता है या फिर सेकेंडरी टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लान्स एंड प्रिप्यूज ग्लानोफ Uh, जिसे कहते हैं एंड आर पोस्थाइटिस डिफिकल्टी विद रिजल यूरिन ट्रीटमेंट क्या है इसकी सरकम सी एन पैराफीमोसिस एक तो रिट्रैक्ट यहाँ रिट्रैक्ट नहीं हो रहा था यहाँ रिट्रैक्ट हो गया uh, तो वंस रिट्रैक्टेड टू ग्लैंड इट कैनॉट भी रिप्लेस बैक इन इट्स नॉर्मल पोजिशन सरकम सी एन सरकम सी एन इज द ओल्डेस्ट नोन सर्जिकल प्रोसीजर टू मैन और इन डेडिकेशन रिलीजियस रीजन मुस्लिम यूज करते हैं फिमोसिस पैराफिमोस ब्लान या फिर रिकरेंट यू की वजह से वो वॉट इज़ द टेक्निक ऑफ एन हमें पता है कि एक स्किन है ऑफ द शाफ्ट ऑफ़ द पीनस दैट इज़ फ्रीली मोबाइल और वो कवर करती है प्रॉरोक्मली इट इज़ कंटिन्यूस पीछे तो इट इज़ कंटिन्यूस विद द वॉल और आगे जो है इट इज़ डिस्टली अटैच टू द क्रोना द प्रीप्यूज इज बेसिकली डिटर्डेंट पिनाइल स्किन एंड कवर्स द ग्लैंस तो यहाँ से द स्किन है इट कवर्स द ग्लैंस और कहाँ पर जुड़ती है कोरोना पर जुड़ती है ठीक हम लोगों ने क्या करना है यहाँ से स्किन को एक साइज करना इसको रिट्रैक्ट करना स्किन को ओवर द ग्लैंस और काट के यहाँ पे स्टिचेस लगा देने इसके डिफरेंट टेक्नी जैसे यहाँ स्टिचेस लगे हुए हैं इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं पहले टेक्निक है, है। डिसेक्शन या स्लीव मेथड इसमें यही है कि प्रीप्यूज़ पे हम कट देते हैं स्किन को खोलते हैं और फिर जो स्लीव मेथड है कि मिड लाइन स्टेट ऑन द प्रीप्यूज स्किन को रेजिंग द फ्लैप ऑफ द प्रीप्यूज वी रेज द फ्लैप एंड देन वी कट इट एंड देन वी स्टिच इट द फोस कैन इज रिट्रैक्ट अप टू द क्रोना बाय एनी डीजन बिटवीन द फोर्स एंड द ग्लैंस दियर ब्रोकन एंड यूजिंग स्माल आर्ट्री फोर्स फोर्स कैन इज पुल ओवर द ग्लैंस एंड सरकम फ्रेंशियल इन सीन इज मेड ऑन द आउटर लेयर ऑफ द लेवल इज टिस्ट ऑप और ये वाइक्रल फोर बाय जीरो से होता है जैसे इसके फीचर्स पढ़े थे कि फोर बाय जीरो इज थि बट फोर जीरो इट इज़ थिक तो ये थिन स्विचर से लगा देते हैं प्लास्टिक बेल्ट टेक्निक दिस टेक्निक इज़ वेरी पॉपुलर इजी टू परफॉर्म बिफोर वन ईयर ऑफ एज कर सकते हैं इन दिस टेक्नीक द एडहीज बिटवीन द ग्लैंस एंड द इनर लेयर ऑफ प्रीपीज दे आर सेपरेटेड ग्लैंस की और इनर लेयर ऑफ द प्रीप्यूज़ की इसको कर देते हैं हम सेपरेट और जब सेपरेट करते हैं तो फोर स्किन इज कट लॉन्गी ऐसे लॉन्गी ट्यूडेंटली कट करते हैं और प्लास्टिक बेल इज प्लेस्ड ये फोर्थ स्किन लॉन्गी ट्यूडेंटली हम ये हम लोगों ने काटी ग्लान्स के ऊपर जो स्किन थी और अब ये प्लास्टिक बैल को प्लेस करेंगे ये वाला हैंडल जो है ब्लू कलर का ही निकाल देंगे और प्लास्टिक बेल के ऊपर ही लाइगेट कर देंगे प्लास्टिक बेल इज प्लेस्ड ओवर द ग्लैंस एंड द फोर स्किन इज पुल्ड ओवर द प्लास्टिक बेल द लाइगेचर इज़ दैन टाइट फिम अराउंड द फोर स्किन एंड इज टाइटन ओवर द ग्रूव ऑफ द प्लास्टिक बल प्लास्टिक बैल के ग्रूव के ऊपर अच्छा खासा टाइट कर देंगे फोर स्किन डिस्टल टू द लाइगेचर जहाँ हम टाइट कर रहे हैं इसके आगे वाली जो फोर स्किन होगी ये वाली जो लाइगेचर के आगे डाली है ग्रूव ऑफ द प्लास्टिक बेल पर यह तो नेक्रोसिस से ही उतर के चली जाएगी द हैंडल इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्लास्टिक वाले मैंने समय बताया ब्लू वाला उतार देंगे द लाइगेचर फ्यूचर कॉज इज प्रेशर अक्रॉस प्लास्टिकबल फॉल्स फ्रॉम द पीनस आफ्टर द वोन हैज हील्ड एंड टिपिकली विद इन थ्री टू सेवन डेज हील लेता है तीसरा टेक्निक है बोन कटर मैथड बोन कटर एज अ क्लैम्प अक्रॉस द प्रीप्यूज डिस्टल टू द विद ब्लाइंड वी फोर्स लेकिन अब ये यूज नहीं करते इस मैथड को एब्सोल्यूट हो चुका हुआ दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर खैर